गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद मी संजय कुमार तिवारी। आज मैं आप के लिए आपकी बुक के सेकंड लेसन को लेके आया हूँ, जो कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ को पढ़ाऊंगा। सेकेंड पैराग्राफ है, आवर बोर्ड वे वाकर अ 23 मीटर 30 टन वुडन हल ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इस पार्क के लेखक गार्डन कुक और एलन ईस्ट हैं। ये दोनों ओलंपिक नाविक थे, तो लेखक बता रहे हैं आवर बोट वेव वाकर 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। हमारी, अवर मीन्स हमारी, बोट मीन्स नाव, वेव वाकर जिसका नाम वेव वाकर था, 23 मीटर 23 मीटर लंबी, 30 टन और 30 टन वजन की, वुडन हल्ड ब्यूटी, वुडन मीन्स लकड़ी की बनी हुई और ब्यूटी यानी सुंदर। तो दोनों नाविक बता रहे हैं कि हमारी वेव वाकर नाम की नाव 23 मीटर लंबी, 30 टन वजन की, लकड़ी की बनी हुई सुंदर नाव थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड और हैड बीन प्रोफेशनली, प्रोफेशनली मींस व्यावसायिक रूप से, बिल्ड मींस बनाई गई थी और ये व्यावसायिक रूप से बनाई गई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स और वी हैड स्पेंट, वी मींस हमने, हैड स्पेंट अर्थात व्यतीत किया था, मंथ्स मींस कई महीने, फिटिंग इट आउट मींस इसको फिट करने में या इसको सुसज्जित करने में, एंड और टेस्टिंग मींस जांच करने में, परखने में। तो वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग, हमने इसकी जांच, इसको सुसज्जित करने में और परखने में कई महीने बिताए थे। इन द रफिएस्ट वेदर वी कुड फाइंड, रफिएस्ट वेदर मींस रद्दी, वेदर मींस मौसम में, खराब मौसम में, वी कुड फाइंड जो कि, वी मीन्स हम, कुड फाइंड मीन्स पा सकते थे। तो इसको हमने सुसज्जित करने में और जांच से परखने में रद्दी मार्गों पर कई महीने बिताए थे, जो रद्दी मार्ग हम पा सकते थे। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर क्लाइंब 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्रेजेंटली as we sail down the west coast of Africa to Cape Town. First leg of our planned 3 year 1,05,000 kilometer journey. First means pehla, leg means charan of our planned means suniyojit, our means hamari, planned means suniyojit, journey means yatra, 3 year 3 saal ki, 1,05,000 किलोमीटर यानी 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी मींस यात्रा, पास्ट मींस बीत गई, प्लीजेंटली मींस आनंद पूर्वक, एज वी सेल्ड डाउन जैसा कि, वी मींस हमने, सेल्ड डाउन यानी यह समुद्री यात्रा की, सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट कोस्ट मींस पश्चिमी तट, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका अर्थात अफ्रीका के पश्चिमी तट से,
टू केप टाउन, केप टाउन तक। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि हमारी 3 वर्ष की 1,05,000 किलोमीटर की सुनियोजित यात्रा का पहला चरण आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ, जो कि हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक के लिए किया था। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन द टू कैब मैन अमेरिकन लैरी विजिट एंड स्विस हेल्प सिग्नलर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफिएस्ट सीज द साउदर्न इंडियन ओशियन। तो देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, देयर वहां, बिफोर मींस पहले, हेडिंग मींस आगे बढ़ना और ईस्ट मींस पूरब में। तो पूरब में आगे बढ़ने से पहले वी टुक टू कैब मैन, वी टुक ऑन, वी मींस हमने, टुक ऑन मींस लिए, टू मींस दो, कैब मैन मींस नाविक, नाव चलाने वाले। वन अमेरिकन लैरी विजिल, एक अमेरिकन निवासी लैरी विजिल को, एंड स्विस हर्ब स्विगलर, और दूसरे स्विट्जरलैंड के निवासी हर्ब स्विगलर को साथ में लिया। टू हेल्प अस, सहायता करने के लिए, टू टैकल, टैकल मींस नापने के लिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफिएस्ट सीज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स यानी विश्व के एक, रफिएस्ट मींस सबसे खराब, सीज मींस रफिएस्ट मींस सबसे बेकार या तूफान वाले, सीज मींस समुद्र। तो हमने एक अमेरिकन नागरिक लैरी विजिल और स्विस नागरिक हर्ब सिग्नलर को सबसे विश्व के सबसे सब तूफान वाले समुद्र द साउदर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी भारतीय हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर को नापने के लिए या की यात्रा पूरी करने के लिए इन दोनों को साथ में लिया। ये आपका सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।